अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने कुकिंग नहीं करनी थी तो सोचा कि वार्डरोब क्लीन कर लूँ अपनी भी और कुबरा की भी, तो बस मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के फ्री करके ड्रॉर्स वगैरह में भी बास्केट्स या बॉक्सेस वगैरह यूज़ करती हूँ ऑर्गेनाइजिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं एक DIY कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज़र ख़ुद बना रही हूँ। सिंपल शॉपिंग बैग है, एक कार्डबोर्ड का, ये तकरीबन हर किसी के घर में होता है। तो बस इसको ऊपर वाला पार्ट हमने ऐसे कट कर लेना है। और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। लेकिन ये क्योंकि बहुत चौड़े वाला नहीं था इसलिए इसको मैंने ट्राई तो किया, लेकिन ये मेरे कपड़ों के लिए तो नहीं सूटेबल रहा, लेकिन ये कुबरा के कपड़ों के लिए बहुत अच्छा रहा है। फिर मैं इसको जाके कुबरा के कबर्ड में रखाई थी। ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि हर किसी के पास इतनी सारी बास्केट्स और बॉक्स हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, तो ये एक यूजफुल ऑर्गेनाइजिंग कर रही हूँ। दुपट्टाज वगैरह मैंने सारे जो ब्रांड के होते हैं बैग उसके अंदर डाल दिया, पॉली बैग से होते हैं उनके अंदर, क्योंकि शिफॉन के दुपट्टों का ये मसला होता है कि आप इन्हें तय भी करके रखो तो ये उलझते रहते हैं, बिल्कुल भी ठीक तरीके से आप मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो मैं सारे इनमें डाल देती हूँ और बस जो चाहिए होता है वो निकाला और प्रेस करती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। बाकी कपड़े मैंने ऑलरेडी प्रेस करके रखे होते हैं। अब ये आ गई कुबरा के वार्डरोब की बारी। ये मैंने इसके अंदर सारे कुबरा के टायर सेट करके रखे थे। और ये बस बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया, बस इनको पिला पिला के ट्यूशन भेजने लगी थी और ये इस टाइम हम कार्टून देख रहे हैं बहुत ही स्टिल होके। बच्चों के साथ बस टीवी पे हर वक्त कार्टून ही लगे होते हैं और मैं खुद भी इनके साथ देखने बैठ जाती हूँ समटाइम्स। और बस ये कुबरा को सुलाने का टाइम हो गया था, बस ये जा रही है अब सोने और फिर इसको सुलवा के तो फिर मैं थोड़ा सा स्किन केयर की तरफ आऊँगी। ये मैंने अपने फेस पे एलोवेरा जेल का अच्छे तरीके से कोट किया है और ये अब मैं रेजर से अपनी जो है डर्मा प्लानिंग कर रही हूँ। और ये उसके बाद मैं जा रही हूँ नोज स्ट्रिप, ये बहुत अच्छी नोज स्ट्रिप है और आपका नोज लिटरली शाइन करता है। ये मंथ में एक बार तो लाजमी कर लेना चाहिए। तो ये अब मैं ठंडे पानी के अंदर अपने फेस को थोड़ी देर डिप करूंगी। मैं आइस ले रही हूँ, उसके बाद मैं फिर से ठंडा पानी लूँगी और उसके अंदर अपने फेस को डिप करूँगी ताकि मेरे फेस के जितने भी पोर्स खुले हैं सारे प्रोसीजर में वो अच्छे तरीके से बंद हो जाए। इसको करके बहुत मज़ा आता है, सुकून होता है, इतनी गर्मी इतनी है और ये करके मैं रमज़ान में तो ये डेली करती होती थी। जो कि मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है और सूथ करता है फेस को। बस इसको मैंने अनपैक किया, इसकी स्मेल बहुत नाइस थी, बिल्कुल कोकोनट जैसी स्मेल आ रही थी। ये फोल्ड हुआ होता है, बस इसको मैंने अनफोल्ड किया और अब मैं इसको फेस पे अप्लाई कर दूंगी। और अप्लाई करके मैंने इसको 5 मिनट के लिए अपने फेस पे छोड़ना है और फिर मैं इसको रिमूव करूँगी। बस मैं इसको अनफोल्ड कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि ये मेरे फेस पे काफ़ी पार्ट्स ऐसे थे जिस जो मेरी स्किन को टच नहीं कर रहे थे, तो इसको फिर मैंने अब सीजर के साथ कट करके अपनी स्किन के साथ जैसे भी जितना हो सकता था उतना एडजस्ट किया। बस ये करके हम इसको 5 मिनट छोड़ेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे। और ये जो इसके अंदर बाकी का सीरम है इसको मैं अपने नेक पे और अपने हैंड्स पे अच्छे तरह से मसाज कर लूँगी। मार्केट में काफ़ी तरह के फेस मास्क जो हैं, शीट मास्क, फेस मास्क वगैरह अवेलेबल हैं और हमें
मंथ में सॉरी वीक में एक दफ़ा तो लाजमी ये अप्लाई कर लेने चाहिए। इससे हमारा स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है, हाइड्रेटेड रहती है और ये काफ़ी आ रही है मेरे फेस को, स्पेशली ड्राई फेस वालों के लिए तो बहुत 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 हेल्पफुल चीज़ है। और एक चीज़ ये बस मैं इसको मसाज कर लूँगी। फोर्थी कपड़ा की जो कपड़ा है उसका फाइनल लुक, तो ये था उसका फाइनल लुक। और ये अब आने वाले हैं इसके ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र का फ़ायदा ये होता है कि इस तरह की चीज़ें छोटे छोटे टायर्स बच्चों की चीज़ें जो कि हम स्टैकेबल नहीं है, हम एक दूसरे के ऊपर रख के पाइलअप नहीं कर सकते हैं, गिर जाती हैं, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ट्राई कीजिएगा, आपके अलमारी में पहले से कम क्लटर होगा। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।